अब बेटा जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए 3 और 4 नंबर में आता है बेटा एग्जाम में, कम से कम 3 नंबर में तो बहुत बार रिपीट होता है बेटा। जो डिफरेंस लिखने का तरीका होता है बहुत सारे बच्चों का गलत होता है। कैसे लिखते हैं, सिंपल बनाया इधर एक एक्सप्लिसिट और इधर एक इम्प्लिसिट, ये गलत है बेटा। जो डिफरेंस लिखने का तरीका होगा वो बेसिस के साथ लिखोगे, बेसिस के भी मार्क्स होते हैं, अगर बेसिस नहीं लिखते हैं तो बेटा कुछ ना कुछ मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम में। तो जब भी डिफरेंस लिखोगे ध्यान रखोगे बॉक्स बना के लिखोगे और साथ में बेसिस लगाओगे। तो आओ बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में डिफरेंस। सबसे पहले बेस क्या है, मीनिंग, मीनिंग के ऊपर बेस, जो मीनिंग के ऊपर सबसे पहले हम डिफरेंस करेंगे। इट इज द पेमेंट मेड टू आउटसाइडर फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज। किसको पेमेंट कर रहे हैं बेटा एक्सप्लिसिट, एक्सटर्नल को, एक्सटर्नल को मतलब बाहर वाले को, पेमेंट टू द आउटसाइडर, तो वो कौन सा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी चीज होती है पैसा हमें ही मिल जाता है। इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर। बेटा यहां ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मैंने पहले ही बताया था ये मेरा रूम है, क्या इसका रेंट किसी और को देने जाऊंगा, नहीं, पैसा किसके पास रह जाएगा, मेरे पास। तो कौन सी कॉस्ट है, अपनी चीज सप्लाई की है अपने बिजनेस को, उसका पैसा मेरे पास आ रहा है, तो कौन सा कॉस्ट कहलाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। दूसरा मनी पेमेंट। बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट में देखा जाए तो एक्चुअल में मनी पेमेंट होती है किसको, आउटसाइडर को, बाहर वाले को हम पैसा देते हैं, किसमें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक इंप्यूटेड वैल्यू होती है कि हाँ 30,000 35,000 तुम्हारा रेंट है और वापस रेंट किसके पास आ जाना है, हमारे पास है, क्योंकि रूम किसका है, हमारा ही है, घर किसका है, हमारा ही है। तो इट इज द इट इन्वॉल्व्स इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑन बाय द फर्म। बेटा ये ट्यूशन चल रहा है, ये रूम मेरा है, तो इसका रेंट मेरे पास ही आएगा, किसी बाहर वाले को नहीं जाएगा, और बाहर वाले को जाएगा तो एक्सटर्नल और मेरे पास आएगा तो इंटरनल। एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ वेजेस, बाहर से मैंने लेबर हायर किया उसको पेमेंट कर रहा हूँ, एक्सटर्नल है या इंटरनल है, एक्सटर्नल, बाहर वाले को पेमेंट गया तो कौन सा कॉस्ट, एक्सप्लिसिट। मेरा बेटा खुद काम कर रहा है मेरी कंपनी में तो उसे पेमेंट नहीं दूंगा, तो वो कौन सा होगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक बाहर से मैंने मैनेजर हायर किया उसे 1.5 लाख की सैलरी देता हूं बेटा, कितने की, 1.5 लाख की, नहीं सुना होगा ना 1.5 लाख, पहली बार सुन रहे, कोई बात नहीं बेटा चलो। तो बेटा मैनेजर को 1.5 लाख की सैलरी दे रहे हैं, है ना, तो 1.5 लाख की सैलरी बाहर वाले को दिया तो कौन सा कॉस्ट, एक्सप्लिसिट। मैं खुद मैनेजर बन गया, नहीं हो सकता ऐसा, चलो कोई बात नहीं मान लेते हैं, चलो मैं खुद मैनेजर बन गया तो बेटा मैं क्या सैलरी लूंगा अपनी कंपनी से, नहीं, तो कौन सा कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैं बाहर से लोन लेके अपनी कंपनी में लगा रहा हूं तो इंटरेस्ट बाहर वाले को देना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मेरे पास 2-4 करोड़ पड़े हैं, उसमें से 15-20 लाख रुपए निकाल के लगा दिया, ब्याज किसके पास आएगा, मेरे पास, इंटरेस्ट ऑन ऑन कैपिटल, तो बेटा ये कौन सा कॉस्ट होगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। नोट करो बेटा जल्दी, फिर आगे चलते हैं।